10 ओवरों में 132 रन का टारगेट, बहुत ही शानदार ओपनिंग पेयर पार्टनरशिप। कगिसो रबाडा को दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया हमारे बैट्समैन मार्क बर्ग ने, उठा के खेल दिया सामने की तरफ सीधा फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। मैच आज का बड़ा ही खतरनाक हुआ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वर्सेस राइट हैंड बॉलर एनरिक नोकिया, सामने डाउन द ग्राउंड 6 रन, सटीक लाइन और रन। हाईलाइट्स आज की, एनरिक नोकिया वंस अगेन, एक चौका एक छक्का एक चौका एक छक्का, दोबारा से कैच आउट। अनलकी रहे यहाँ पर बैट्समैन एनरिक नोकिया, अगेन दोबारा से बोल्ड हुए इस बॉल पर, बल जाए कैच आउट हुए। नोकिया ने अच्छा कमबैक किया, छक्का चौका खाने के बाद 2 विकेटें। रबाडा अगेन उठा के खेल दिया फील्डर की साइड से, 4 रन कवर की जा रहे, कोई चांस नहीं फील्डर को रोकने का। अगेन डेविड फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ ग्राउंड के छा रहे हैं, आ रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक खेल रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर बैट्समैन वेंडन मरवे, दिस इज़ द ही इज़ द फिनोमिनल बैट्समैन एज वेल। या अगेन दोबारा से कीपर के सर के ऊपर से दोबारा पेनल्टीज आया, इसको इस सवर में अच्छी कुटाई पड़ी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटीज को 2 चौके लगातार पड़े, फिर एक चौका दोबारा से पड़ा, मतलब 3 चौके 3 गेंदों पर। उसके बाद अगेन एक बार बीट कराने के बाद दोबारा से कवर ड्राइव शानदार मारी गई डेविड के बाहर, दाऊद ने फील्डर के हाथ में गेंद और रनआउट का खतरा था और हो गया था यहाँ पर, और ये भी कमबैक हुआ था प्रेटोरियस का। दोबारा से सबरे शमसी आए, ओ शमसी ने बोल्ड कर दिया था, फिर दोबारा से आए, उठा के खेला था शमसी को सामने डी लीडे में, जो कि साउथ अफ्रीका नेक्स्ट पे प्लेयर हैं। दोबारा से उठा के खेला था 6 रन के लिए, नहीं 4 रन के लिए, फील्डर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की जाने पर। अगेन बॉलर आए प्रोटीज, इस ओवर में प्रोटीज ने तबाही मचा दी, विकेट पे विकेट लिए जा रहे थे, वो भी बोल्ड इस तरह से स्ट्रगल कर रहे दिखाई दे रही थी नीदरलैंड्स की टीम, लेकिन उसका साथ दिया वैन ब्रिक और डी लीडी ने, आखिर तक मैच को ले जाने में फुल सपोर्ट दिखाई अपने प्लेयर्स ने और फुल कोशिश की इस मैच को एंड तक ले जाने की। और आखिर में केशव महाराज को 2 बॉलों पे 2 छक्के लग चुके थे, और तीसरा जब कैच हुआ तो नीदरलैंड्स की टीम की उम्मीदें बिल्कुल खरी की खरी रह गई, और महाराज ने आखिरी बॉल पर भी विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को एक जीत अपने नसीब दर्ज करवाई। दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ द मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेज नीदरलैंड्स, मतलब चोकर वर्सेज नीदरलैंड्स।